गोरखपुर पुलिस के लिए मंगलवार का दिन खास उपलब्धियों वाला रहा। एक नहीं बल्कि दो दो खुलासे पर पुलिस ने लोगों से सराहना बटोरी है। स्थानीय लोगों की तत्परता और पुलिस के अत्यधिक सतर्कता के कारण अगवा किए गए 6 वर्षीय बालक समेत एक अपहरणकर्ता 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया गया। चौरी चौरा थाना क्षेत्र के मुंडेरा बाजार के वार्ड नंबर 6 निवासी विजय कुमार जायसवाल के 6 वर्षीय पुत्र गोविंद, जो स्थानीय एक स्कूल में पढ़ता है, जिसको सोमवार को दोपहर स्कूल से घर आते समय दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया था, जिससे पूरे इलाके में सनसनी का माहौल बन गया और सोमवार की रात दोनों अपहरणकर्ताओं को बच्चे के साथ कुछ स्थानीय लोगों ने जाते हुए देखा और उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया, लेकिन एक अपहरणकर्ता मौका पाकर भागने में सफल रहा। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने चौरी चौरा निवासी शमशुद्दीन को पकड़ने में सफलता पाई है, तो दूसरी तरफ कैंट पुलिस ने चिन स्नेचर गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इस गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने वाली कैंट पुलिस ने 3 अदद मोबाइल, पल्सर बाइक, 1 देशी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद करने में सफलता पाई है। पकड़े गए अभियुक्त बड़हलगंज और बेलीपार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। कहाँ वाला नहीं है, कौन अपना वो कहाँ है? अच्छा, ये लूट गैंग है, झपट्टा गैंग। एसएसपी रामलाल वर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि दोनों खुलासे से आने वाले दिनों में अपराधों में कमी आएगी। 25 जुलाई को थाना चौरी चौरा क्षेत्र के अंतर्गत एक 6 वर्षीय बालक का अपहरण, 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा किया गया था। सूचना पुलिस को तत्काल दी गई। सूचना पर स्थानीय पुलिस ने लोगों को, थाने के पुलिस बल को गिरफ्त करते हुए तत्काल बच्चों की बरामदगी का प्रयास शुरू करने लगे। इसी प्रयास के तहत जब थाना चौरी चौरा की पुलिस अपने चौरी चौरा क्षेत्र के अंतर्गत एक चौकी सोनवर्षा मुंडेरा बाजार चौकी क्षेत्र के अंतर्गत उधर पहुंची, तो एक व्यक्ति शाम को बालक को संदिग्ध अवस्था में दिखा, उसके पास से व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की गई, तो अपने साथ 3 अन्य लोगों को इसमें शामिल होना बताया। अपहरण करने का उद्देश्य क्या था, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। इस विषय पर, इस बिंदु पर पुलिस गहनता से जांच की कर रही है। हमारी क्राइम ब्रांच की टीम, थाना चौरी चौरा की टीम व जन सहयोग, जो स्थानीय पब्लिक का जन सहयोग मिला, तीनों के सामंजस्य सहयोग के कारण अति शीघ्र इस बच्चे की बरामदगी हुई। बच्चा का नाम गोविंद है, इनके पिताजी का नाम विजय, जो किराना की दुकान करते हैं। गोविंद पुलिस चिल्ड्रन स्कूल है, वहां पर LKG में पढ़ाई करते हैं। स्कूल छूटने के बाद ही दो लड़के मुंह में रुमाल ढक करके आए और इनको बोले कि आपको पिताजी ने बुलाया है। तो बालक इतना होशियार था, इसने पूछा कि मेरे पिताजी का नाम बताओ पहले।
तो उन लोगों को पिताजी का नाम मालूम था, उन्होंने विजय बताया। तब ये आश्वस्त जब बच्चा हुआ तब उनके साथ गया, लेकिन उन लोगों का इरादा अच्छा नहीं था इसको ले जा करके। किस उद्देश्य से ले गए हैं ये अभी क्लियर नहीं हो पाया, और अभी एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी इसमें बाकी है। जो घटना में मोटरसाइकिल प्रयोग की गई थी, हीरो होंडा स्प्लेंडर UP 53X 4899 व 2 अदद मोबाइल फोन ये बरामद हुए हैं। पुलिस अभियोग पंजीकृत करके नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। प्रभारी निरीक्षक कैंट व उनकी टीम द्वारा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। ये संदिग्ध मिले, इनकी तलाशी ली गई, इनके पास से 2 अदद सैमसंग मोबाइल फोन, एक 38 बोर का तमंचा मिला। इनसे और कड़ाई से पूछताछ की गई तो एक मोटरसाइकिल चोरी बरामद हुई है। ये जो घटना इन्होंने की है, इसके अतिरिक्त 2 लूट, एक 28/6 को हुई थी और दूसरी 27/5 को हुई थी। इस लूट में जो माल गया था इसकी रिकवरी हुई है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 2 लूट का खुलासा व 1 चोरी की मोटरसाइकिल, 1 चोरी का खुलासा हुआ है। ये ऐसा गैंग है जो झपट्टा मार करके मोबाइल फोन हो या पर्स हो उसको लूटने का काम करता है। इस प्रकार से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है।